الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم اجعلنا مباركا اينما كنا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام دينا أو كما قال الله تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا إك وكرا إحسان رب تیرا اس عالم دی تنظیم اتے
सानू अपना सुखना खबीब दितई कुर्बान मैं तेरी तकसीम होते कुर्बान ए दुनिया हो गई है कुर्बान ए दुनिया हो गई है ओदे सोने खुल के अजीम उते साडे ते दुनिया दीवानी है ओदे नाम दी सोनी मीम उते हर किस्म दी हमदो सना तारीफात किबरियाई बड़ाई तनहाई शहनशाही बादशाही अल्लाह वहदहु ला शरीक दी ज़ात पाक वास्ते खास दुरूद व सलाम सैयदुना व इमामुना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी ते ज़िवकार मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामियात अल्लाह ताला दा बेहद शुक्र है कि उस मालिक ने अपनी रहमत और तौफीक खास नल सानू अपने घर मस्जिद दे अंदर अजीम उनवान ते इस मुकाम ते जमा होने दी तौफीक अता फरमाई। मेरी दुआ है अल्लाह ताला साडा सारियां दा मिल बैठना अहबाब दा इस अजीम शान प्रोग्राम दा इहतमाम इंतजाम फरमाना मस्जिद इमाम खतीब मौलाना कारी मोहम्मद हमजा साहब दीगर इन्हां दे रुफका अहबाब जमात अल्लाह ताला सब दियां मेहनतां कोशिशां काविशां अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। इलाका भर दे मुअज्जज़ मोहतरम उलमाए कराम बिलखसूस मुबलगे इस्लाम मौलाना मदरुल इस्लाम साहब हाफिज़हुल्लाह मौलाना कारी मोहम्मद असलम रबानी साहब और 101 चक दे इमाम हजरत कारी मोहम्मद साकब रबानी साहब मौलाना हाफिज मोहम्मद आरिफ साहब और दीगर मुअज्जज़ मोहतरम उलमाए कराम अल्लाह ताला सब दा आना मिल बैठना अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमाए। मौलाना कारी मोहम्मद साकब रबानी साहब हाफिज़हुल्लाह मेरे तो पहला माशाल्लाह हमदो नाज सुना रहे सन सज्जे पासे भी साकब रबानी ते खब्बे पासे भी साकब रबानी अल्लाह ताला इन्हां दीआं जिंदगियां च बरकत फरमाए। उलमाए कराम दा बयान करना तशरीफ लैके आना और मेरे तो पहला मुबलगे इस्लाम खतीब इस्लाम हजरत मौलाना अबू बकर मुआविया साहब हाफिज़हुल्लाह बड़ा जानदार शानदार खिताब फरमा रहे सन अल्लाह ताला सब दियाँ नेक जायज ख्वाहिशात अपनी बारगाह दे अंदर कबूलो मंजूर फरमा के सब दियाँ नेक तमन्नावां नूं पूरियां पूरियां फरमाए। हजरात कुरान पाक दे दो मुकामात तों तुसां अहबाब दे सामने तिलावत करन दी सआदत हासिल कीती है। अल्लाह ताला ने पहली आया मुबारका सूरा मायदा दी आया मुबारका दा कुछ हिस्सा तुहाडे सामने जो पढ़े अल्लाह फरमांदे ने अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। तवज्जो है भाई तवज्जो है माशाल्लाह अल्लाह तुहाडा आना कबूल फरमाए। आवाज ना इहदी बेस बिल्कुल बंद कर दिओ ते रिपीटिंग भी कम कर दो सादी जी करके आवाज़ ना हल्की जी बिल्कुल ही कुछ लानी है ताकि समझ लगे शोर ना हो जगह थोड़ी है ते शोर ज्यादा है समझ नहीं लग रही। अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर ऐलान फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया आज दे दिन तुहाडे ते तुहाडा दीन मुकम्मल कर दिता। अल्लाह फरमाते ने असा अपनी नेमत नूं तुहाडे ते पूरा कर दिता व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना तुहाडे वास्ते दीने इस्लाम दा इंतखाब कीता है दीने इस्लाम नूं पसंद कीता है। हजरात यकीनन साडे वास्ते बहुत बड़ी सआदत दी बात है कि अल्लाह ताला ने सानूं मुसलमान बनाया।
और इस्लाम एक ऐसा मजहब है जिन्हें इनू दिल ला के पढ़िए वो इस्लाम दा वो करके रह गए वो मुसलमान बन गए। मैं एक वाक्य तो अपनी बात का आगाज करांगा। सैयदना हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे हवाले नाल इब्ने साद इब्ने मुसय्यब तो बयान करते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा एक दिन हजरत काब अहबार जिन्होंने काब बिन माने भी कहा जाता है यहूदियां दे बहुत बड़े आलम सन इन्हां दे बाप भी बहुत बड़े आलम सन। एक दिन हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास इन्हां नूं कहण लगे काब तू नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम दा दौर वेखिए आप दा जमाना वेखिए लेकिन सहाबीयत दा शरफ नहीं पा सकिया आखिर केड़ी चीज रुकावट सी। हजरत काब अहबार रहिमहुल्लाहु तआला फरमान लगे मेरे वाले साहब जो फौत होने लगे ना तो उन्हें मैं करीब बुला लिया कह लगे बेटा मैं तेरे वास्ते एक किताब का इंतखाब किया तो रात के अंदरों कुछ मसले निकाल करके मुंतखब करके इस किताब के अंदर दर्ज कर दिते ने और दीगर किताबों के अंदरों भी इन चीज़ों का इंतखाब करके इस किताब के अंदर लिख दिता है जो भी तेन को मसला पेश आए बस ए किताब खोल लेनी है ते इस किताब तो अलावा होर किताब कोई नहीं खोलनी ये मेरे नाल वादा कर लै कि मेरे मरण के बाद इस किताब तो अलावा होर कोई किताब नहीं पढ़ेगा। हजरत काब अहबार रहिमहुल्लाह फरमाते ने मैं अपने बाप नाल वादा कर लिया कि मैं तुरात नहीं पढ़ांगा और कोई किताब नहीं पढ़ांगा बस जो तुसी मुंतखब मेरे वास्ते कर दिता है उ पढ़ांगा। जिमें कई मौलवी कहते ना कुरान पाक का तर्जमा आप नहीं पढ़ना चाहिए बंदा गुमराह हो जाता है, है? कई मौलवी कहते हैं कि बंदे नूं आप नहीं तर्जमा पढ़ना चाहिए बंदा गुमराह हो जाता है। हालां कुरान पाक का तर्जमा बड़े बड़े जय्यद और मुमताज किस्म के उलामा ने तर्जमा किए और सोच समझ के किए। कुरान पाक का तर्जमा पढ़ना चाहिए भावें एक आयत ही बंदा रोजाना तर्जमे नाल पढ़ लवे क्योंकि कुरान पाक हदायत भी है रहमत भी है शिफा भी है। तो जो करना खार करना हजरत काब फरमाते ने मैं अपने वाले साहब नाल वादा कर लिया कि मैं जो तुसी हुक्म ला दिता है ना कि इस किताब तो अलावा कोई किताब नहीं खोलनी मैं कोई किताब नहीं खोलांगा। फरमाते ने मेरे वाले साहब फौत हो गए नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम ही इस दुनिया तो रहलत फरमा गए लेकिन नबी पाक दे दौर दे अंदर कलमा पढ़ना नसीब होया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है। बंदा नेकियां कर करके अल्लाह दा वली बन सकता है नमाजा पढ़ पढ़ के नमाजी बन सकते सखावतां कर करके सखी बन सकते तहज्जुद पढ़ पढ़ के अल्लाह दा प्यारा बन सकते कुरान पढ़ पढ़ के बंदा कारी बन सकते लेकिन सहाबी बन सकता सहाबी ओ ये जिन्हें नबी पाक दा मुखड़ा वेख के कलमा पढ़े इमाम दी हालत अंदर जिंदगी गुजारी। फरमांदे नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया तो रहलत फरमा गए लेकिन कलमा पढ़ना नसीब नहीं होया बस मैनू जो को मसला पेश आंदा मैं अपने वालद दी तरतीब दित्ती हुई मुंतखब कीती हुई किताब नू खोल लेंदा ते पढ़ लेंदा। फिर हजरत अबू बकर दा दौर आ गया बोलो रज़ी अल्लाह तआला हजरत अबू बकर दा दौर भी गुजर गया लेकिन मैं कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं हो सकिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला दा दौर आया तुसी जानदे हो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला दे दौर दे अंदर अल्लाह तआला ने इस्लाम नूं बड़ियां फतूहात अता कीतियां पिंडां दे पिंड शहरां दे शहर मुल्कां दे मुल्क फतह हो गए और इस्लाम दा झंडा लहरा गया। फरमांदे ने मैं वेख्या यहूदियां दे बड़े बड़े आलम कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे ने इस्लाम नूं गलबा मिलदा जा रही है इहदे तों पता चलदा है कि इस्लाम सच्चा मजहब है इस्लाम इस्लाम अलहदा गल मुसलमान नहीं सच्चे इस्लाम असी नहीं सच्चे ते अलहदा गल इस्लाम सच्चा मजहब है। फरमांदे ने जो मैं इस्लाम का गलबा वेखिया ना मैं क्या काब जरा किताब तुरात खोल के वेख किते तेरा अब्बा तेरे नाल धोखा तो नहीं कर गया किते गलत पाबंदी तो नहीं ला गया। फरमांदे ने मैं तुरात खोली तुरात दे अंदर सोने मुहम्मद दा जिक्र पढ़िया सोने मुहम्मद दी उम्मत दा जिक्र पढ़िया कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। रात जिन्हें इस्लाम नूं पढ़िए
जिन्हें इस्लाम नू परखिए, जिन्हें इस्लाम नू देखिए, उन्हें अल्लाह ने ईमान दी दौलत अता कर दीती है। लेकिन माजरत दिनल, मैं बड़ी माजरत दिनल तुहाडे अगे एक दरखास्त करांगा, असी मुसलमान ते जरूर आ पर इस्लाम पढ़िया, इस्लाम नू वेखिया नहीं, इस्लाम नू पढ़िया नहीं, इस्लाम नू परखिया नहीं, असी सिर्फ नाम दे मुसलमान आ। साडा अब्बा मुसलमान सी, दादा मुसलमान सी, परदादा मुसलमान सी, जद्दी पश्ती बस मुसलमान चलते आ रहे हैं। इस्लाम की तालीमात का नहीं पता, इस्लाम के पैगाम का नहीं पता। आइए करा इसे हवाले इंशाल्लाह मैं चंद गुजारशात करांगा, जड़ियां दो आयतां पढ़िया ने, इन दो आयतां की रोशनी दिंदर चंद गुजारशात करनिया ने। दुआ करना अल्लाह ताला शरह सदर फरमाए और मैनू किताबो सुन्नत के मुताबिक हक सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम की है और नबी पाक अलैहिस्सलाम दी जात पाक की है। आइए गौर करना, अल्लाह दा कुरान सुनना और अपना सीना ठंडा करना। हबीबे गबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाल्लाह तुसी बड़ा जोर लाया, बोले भी बड़े हो, दुरूद पाक भी बड़ा पढ़े है, सुभान अल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भी बड़ी कही है। बस मैं इतनी को दरखास्त करांगा, गोडे छड़ के, बेदार हो के, हुशार हो के, दीवारा दे सहारे छड़ के, अल्लाह दे सहारे हो के बह जाओ। दिल करे तो बोल पिया जे, दिल करे तो ना बोलिया जे, बस तवज्जो मेरे वर रखनी है। ते नबी पाक का नाम सुन के कंजूसी नहीं करनी, नबी पाक का नाम सुन के दुरूद पाक पढ़ना मैनू खुश करने वास्ते नहीं, बल्कि नबी पाक का कुरब हासिल करने वास्ते, रब दिया रहमतां हासिल करने वास्ते, और कयामत वाले दिन नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम दी शफात हासिल करने वास्ते। तवज्जो करना, हबीबे गबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहि सलातु वसलाम दे सीना पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया, फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ितु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया अज दे दिन तुहाडा दीन तुहाडे ते मुकम्मल हो गया, रब ताला ने अपनी नेमत नू पूरा कर दिता, ते तुहाडे वास्ते पसंद कीते, दीने इस्लाम नू पसंद कीते। अल्लाह ताला ने साया मुबारका दे टुकड़े दे दरम्यान दे अंदर एक जुमला बोलिया, अल्लाह फरमांदे ने वा आत्मम तू अलैकुम नियमती, फरमाया सी अपनी नेमत नू तुहाडे ते पूरा कर दिता। इहदे तों पता चलदा इस्लाम इक नेमत है, इस्लाम इक नेमत है। ते नेमतों नू कहंदे ने जिहदे नाल बंदे नूं खुशी मिले, नेमतों नूं कहंदे ने जिहदे नाल बंदे नूं सुकून मिले, नेमतों नूं कहंदे ने जिहदे नाल बंदे नूं अमन मिले। इहदा मतलब इस्लाम नेमत है ते खुशी दा पैगाम है, अमन दा पैगाम है, राहत दा पैगाम है। आइए तवज्जो करना, किवें असीं इस्लाम अमन दा पैगाम मेरा खदा पैगाम है। बड़ी तवज्जो देना मैं चंद गुजारशात करना चाहना, ध्यान नाल सुन के लै जाना। छोटे बड़े नौजवान बुजुर्ग मावा भैणा तशरीफ लै करके आए, आइए करा तो खुशी दा मौका है, शादी दा मौका है, ते इस्लाम दियां गल्लां करके जाना चाहना, ध्यान नाल समात परमाना। मेरे तुहाडे पीरो मुरशद जनाब मुहम्मद आलमगीर बनाए, मेरे पैगंबर दे पैगाम नू अमन दी अलामत बनाए। इधर वेखना रहमत कायनात अली सलातु सलाम कायनात दे लोगों नू मुखातब ने, अल्लाह अल्लाह चंद इलाकियां दे लोग नहीं, सिर्फ मक्के दे लोग नहीं, सिर्फ मदीने दे लोग नहीं, पूरी दुनिया तो आए हुए लोग, जिवें अज लोग हज करन वास्ते जांदे ने, कोई पाकिस्तान तो जा रहे हैं, कोई हिंदुस्तान तो जा रही है, कोई अफरीका तो जा रहे हैं, कोई अमरीका तो जा रहे हैं, कोई बरतानिया तो जा रही है, कोई किसी मुल्क तो जा रहे हैं, कोई किसी मुल्क तो जा रही है, सारी दुनिया तो लोग हज करन वास्ते जांदे ने। ते दुआ करो अल्लाह ताला इस साल सानू ही नसीब फरमाए।
अल्लाह ताला इसे साल सानू अपने घर दियां ज़ियारतां नसीब फरमाए। इंजी लोग एंड मैदान अरफात दे अंदर जमा ने रहमत कायनात ने सलातों सलाम ने खुतबा इरशाद फरमाया और भी नबी पाक ने सलातों सलाम ने बातें इरशाद फरमाईया। इन बातों दिलो रहमत कायनात ने सलातों सलाम दा एक पैगाम नबी पाक फरमांदे रहे आ अय्युहन्नास अला इन रब्बकुम वागिद व अबाकुम वागिद ला फजला लियारबी वला फजला लियारबी अला अजमी। नबी पाक ने सलातो सलाम फरमांदे ने ऐ कायनात दे लोगों को फारस तो आया को रूम तो आया को हबशे तो आया को कितों आए सारे ऐलान सुन लो तुहाडा रब भी एक तुहाडा अब भी रब भी एक अब भी एक अल्लाह रब कायनात दा दाता अरशां वाला रब ते अब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिदा जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह निसा दी पहली आया मुबारक दे अंदर फरमाया फरमाया या अय्युहन नास तक्कू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। फरमाया ईमान वालो उस रब को डर जो है कायनात दे लोगो उस रब को डर जो जिस रब ने तुम एक जाम दिलो पैदा किया। मेरे पैगंबर सलातो सलाम ने एडा सोना पैगाम दिता मैं तेंज क्या करना वा जिवे मेरे पैगंबर दे खत सोने ने इवे मेरे पैगंबर का पैगाम भी सोना है जिवे मेरे पैगंबर दियां जुल्फां सोनिया ने उवे मेरे पैगंबर का दीन भी सोना है जिवे मेरे पैगंबर की पेशानी सोनी है जिवे मेरे पैगंबर के रुखसार सोने ने बल्कि मैं इंज कहां ते अल्लाह की कसमें मुबारक गानी होएगा जिड्डा मेरा पैगंबर सोना है ओडा मेरे पैगंबर दा दीन सोना है जिड्डा मेरा पैगंबर सोना है ओडा मेरे पैगंबर दा दीन सोना है। जे मेरे दीन नू वेखणा है ते मेरे नबी नू वेख ले मेरे नबी वरगा अल्लाह ने पूरी कायनात दे अंदर पैदा कोई नहीं कीता ते मेरे दीन वरगा अल्लाह ने किसे नू दीन नहीं अता कीता। एवें नहीं अल्लाह ने फरमाया वरजी तू लकुम इस्लाम दीना दार करना चाहना ते गल अगे चलाना चाहना ज़ुल्फां गसीन खुसन चेहरा कमाल सोना ज़ुल्फां गसीन खुसन चेहरा कमाल सोना सारे जगान विचों सारे जगान विचों आमिना दलाल सोना ज़ुल्फां गसीन खुसन चेहरा कमाल सोना अक चेहरा कलम पढ़ गए आलम यहूदियां दे तक चेहरा कलम पढ़ गए आलम यहूदियां दे दो जग तो निराला दो जग तो निराला हुस्नो जमाल सोना नाराए तकबीर शाने मुस्तफा अजमते मुस्तफा ज़ुल्फां गसीन खुसन चेहरा कमाल सोना सारे जगान विचों आमिना दलाल सोना ज़ुल्फां गसीन खुसन चेहरा कमाल सोना। कई मेरे वीरियां नू मेरे भरावां नू भुलेखा पै गया कहिंदे ने लोग बाबी नबी पाक नू वड्डे भरा जिन्ना जानदे ने
नबी पाक दी कदर वड्डे भरा जी नहीं जानदे ने। मैं उन्हां भरावां दे नाम पैगाम देना चाहना वा, जमीन नो आसमां विच तक लै दोवां जगां विच, जमीन नो आसमां विच तक लै दोवां जगां विच। ओए महबूबे की बिरियादी, महबूबे की बिरियादी कोई नहीं मिसाल होना। जुल्फां गसीन खोसर चेहरा कमाल सोना। रमो बना को सुभान अल्लाह, टिले टिले बोल दियो जिन्ना दा ईमान है मेरे पैगंबर दी मिसाल कोई नहीं। रब बुकलां चो हाथ कट के सज्जा खत बुलंद करके को सुभान अल्लाह। माशाला हुण पता लगे तुसीं जागदे बैठे उम्मीद है वो अद्धा पौना घंटा कट जाओगे। गल आई है लगदे ते तुहानूं सुना देना चाहना वा, हिजरत दी रात मक्के दे काफर मेरे पैगंबर दी तलाश दे अंदर निकले ने ते एक दूसरे नूं कहंदे फिरदे ने, जे ढूंढना है नबी नूं ढूंढो अबू बकर नूं, जे ढूंढना है नबी नूं ढूंढो अबू बकर नूं, जे ढूंढना है नबी नूं ढूंढो अबू बकर नूं। अबू बकर मुस्तफा दे, अबू बकर मुस्तफा दे हर जात नाल होना। जुल्फां गसीन खोसर चेहरा कमाल सोना, सारे जगान विचों आमिना दा लाल सोना। जुल्फां गसीन खोसर चेहरा कमाल सोना, तकरीबन 9:30 गए तुसी सारे दिन दे थके हुए हो, काम कीता होना पट्ठे पाए होने ने, कोई मजदूरी करके आया, कोई रक्षा चला के आया, कोई मोटरसाइकिल चला के आया, कोई कारखाना चला के आया, कोई शैलर चला के आया, अल्लाह कोई कोई काम करके आए, थकावट हो गई होगी। ते ए जड़ा मैं जुमला पढ़ लगा मैनू अल्लाह की कसम दिल लगा के सुनोगे ते सारे दिन की थकावट उतर जाएगी। कदमां दी खड़े खड़ा खट जन्नती भी सुन दे खोसर, कदमां दी खड़े खड़ा खटे जन्नती में सुन दे खोसड़े, कदमां दी खड़े खड़ा खटे जन्नती में सुन दे खोसड़े। ओ तैबा दी गलियां अंदर, तैबा दी गलियां अंदर जदों टुरदा बेलाल होना। जुल्फां गसीन खोसर चेहरा कमाल सोना, जिड्डे सोने मेरे पैगंबर ओडा सोना दीन लैके आए, ओडा सोना पैगाम लैके आए। आप फरमाते ने कायनात दे लोगो तुहाडा रब भी एक है, तुहाडा बाप भी एक है। ते याद रखिया जे किसे अरबी नू किसे अजमी ते फजीलत नहीं, किसे अजमी नू किसे अरबी ते फजीलत नहीं, किसे गोरे नू किसे काले ते फजीलत नहीं, किसे काले नू किसे गोरे ते फजीलत नहीं। इल्ला बितकवा ओदी अजमते ओदी फजीलते जिदे दिल दे अंदर रब दा डर है, रब दा खौफ है। और याद रखना कोई गोरा काले नू बुरा ना समझे, वो काला किसे गोरे नू बुरा ना समझे, वो अरबी किसे अजमी नू बुरा ना समझे, वो अजमी किसे अरबी नू बुरा ना समझे। ऐज मेरा दीन ऐज मेरा इस्लाम। हजरत आइए अगली गदी समात प्रमाण किताबुल ईमान सही मुस्लिम हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला बयान कर दे रहे हदीस नंबर 97 मेरे तुहाडे पीर उमर शाह जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझ आ रही माशाल्लाह, मैं 2-4 हदीसा सुना के फिर तकरीर शुरू करनी, तो जो करना हबीब इब्रिया जनाब मुहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो सलाम दे सहाबी हजरत अबू हुरैरा बयान कर दे नबी पाक तशरीफ फरमाए कान वाला आया मेरे पैगंबर दे करीब आके बह गए ते बिल्कुल ही करीब हो गए ते नबी पाक ने सलातो सलाम आ करके कहंदे सुनया मन ईमान ईमान किनू कहंदे ने ते रहमत कायनात ने सलातो सलाम फरमांदे ने ईमान दा नाम है अल तो मिन बिल्ला अल्लाह दी जात ते ईमान ले आंदा जे ओदे फरीसियां ते ईमान ले आंदा जे जिहड़ियां ने किताबां नाज़िल कीतियां नूं दे ते ईमान ले आंदा जे ओदे रसूलां ते ईमान ले आंदा जे ओदी मुलाकात दा यकीन रखिया जे यौमे आखरत दा यकीन रखिया जे इने अगला सवाल कीता कहंदा सुनिया मल इस्लाम इस्लाम किन्नू कहंदे ने नबी पाक फरमांदे ने तू अल्लाह दी इबादत कर ते रब दी इबादत नर किसे और नूं शरीक नहीं बनाना पंज वक्त दी फर्ज़ी नमाज अदा करनी है जदों माल नसाब नूं पहुंच जाए ते ज़कात अदा करनी है रमदान दे रोज़े रखणे ने इन्हें अगला तीसरा सवाल कर दिता कहंदा सुनिया मल एहसान एहसान किन्नू कहंदे ने की किन्नू कहंदे ने नबी पाक फरमांदे ने नेकी एदा नाम है कि तू रब दी इबादत करे ते इस गुमान नाल कर के तू अपने रब नूं वेंदा पिया है अगर ये गुमान नहीं कर सकदा ते तेरा ए ते गुमान होना चाहिदा है कि तेरा रब तैनूं वेंदा पिया है इन्हें चौथा सवाल कर दिता कहंदा सुनिया मत सा कयामत कदों आएगी मेरे पैगंबर फरमांदे ने जितना को सवाल करन वाले नु इल्म है उतना को मैनू इल्म है कयामत दे बारे हां कयामत दियां कुछ निशानियां ने वो मैं बयान कर देना नबी पाक ने इस मौके ते कयामत दियां कुछ निशानियां बयान कीतियां आप फरमांदे ने नंगे पैरां वाले नंगे जिस्मां वाले सरदार बन जाणगे नबी पाक फरमांदे ने बकरियां चराण वाले भेड़ां चराण वाले वड्डियां वड्डियां खवेलियां बना लेंगे आप फरमांदे ने मेरे पैगंबर ने फरमाया कयामत दा इल्म उन पांच चीजां जिंदरों ए जिदा इल्म सिर्फ अरशां वाले रब नूं ए फिर नबी पाक ने सूरा लुकमान दी आखरी आया मुबारका दी तिलावत फरमाई आप पढ़दे ने इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्सा व युनज्जिलुल गैसा व यअलमु मा फिल अरहाम व मा नफ्सों नाजा तक सिबु खदा व मा तदरी नफ्सों दी अली अर्जिन तमोत इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर अल्लाह दे इलम दी गल कीती मेरे पैगंबर फरमांदे ने कुरान दी तिलावत कीती अल्लाह फरमांदे ने इल कयामत दा इलम सिर्फ अल्लाह दे कोले बारिश दा इलम सिर्फ अल्लाह दे कोले अल्लाह मां दे रहम दे अंदर की है इलम अल्लाह दे कोले कल बंदा की करेगा इलम अल्लाह दे कोले मौत किस जमीन ते आएगी इलम सिर्फ अल्लाह दे कोले अल्लाह ताला हर चीज नु जानन वाला ते खबर रखन वाले नबी पाक ने कुरान पाक दी आया मुबारक दी तिलावत कीती है ये सवाल करने वाला उठ के बाहर चला गया है आप फरमांदे ने मेरे सहाबा पता करो ना वो सवाल करने वाला किथे चला गया है सहाबी उठे ने बाहर जाके वेखिए कोई चीज नजर नहीं आई मेरे पैगंबर नु आके कहंदे ने सुनया बाहर ते कोई बंदा नजर नहीं आ रहा आप फरमांदे ने मेरे सहाबा मैं दसा बाहर जेड़ा गया है वो कौन सी जेड़ा बैठा सी वो कौन सी नबी पाक फरमांदे ने ओ जिब्रील सी तुहानू तुहाडा दीन समझाण वास्ते आया सी ओ जिब्रील सी तुहानू तुहाडा दीन दसण वास्ते आया सी हुण मैं तुहानू पुछणा चाहना वा मस्जिद दे अंदर बैठे हो को वहाबी है को देवबंदी है को बरेलवी है को गरीब है को अमीर है को छोटा है को बड़ा है ऐ जिहड़ी मैं हदीस मुस्लिम दी तुहाडे सामने पेश कीती है इस हदीस दे अंदर किसे जगह ते मुजरे दा जिक्र किसे जगह ते मेहंदी दी रस्म दा जिक्र इस जगह ते इस हदीस दे अंदर किते शादी दे मौके ते शराब दी महफिल सजाण दा जिक्र इस हदीस दे अंदर खुशी दे मौके ते भंगड़े पाण दा हुक्म मेरा दीन ते मेरा इस्लाम ते ऐ जो कुछ असीं कर रहे हैं अपनियां खुशियां ते गमियां ते इस्लाम ओ बोलो इस्लाम नहीं
अल्लाह अकबर अल्लाह इस्लाम होए जिड़ा आसमाना तो अल्लाह ने जिबरील दे जरिए मुहम्मद पाक दे सीने ते नाजल कीता है। इस्लाम होए जिड़ा नबी पाक दी जुबाने नबुव्वत दिंदरो निकले है। अल्लाह ओ मेरे भाई मेरे बरादर मेरे मोहतरम मेरे अजीज अज असी इस्लाम दी कदर नहीं कीती। इस्लाम दी कदर पुछना है ते सैयदना बिलाल कोल पुछ लै तेनू इस्लाम दी कदर क्या है। अगर इस्लाम दी कदर पुछना चाहना है ते हजरत सुहैब नू पुछ ले। अल्लाह जिदों निकल लगे ना हिजरत करके मक्कियों ते मक्के दे काफर आ गए कहन लगे सुहैब कल्ला आया से तन तन आया से पल्ले कुछ भी कोई नहीं सी इत्थे मक्के विच रह के ना माल कमा लिया। हजरत सुहैब फरमान लगे गल सुनो मेरे वल ध्यान करो ऐ जिन्ने मेरे कोल तीर ने ना जिनी देर तक मौजूद ने तुसी मेरे करीब नहीं आ सकते। अल्लाह याद रखिया जे जिनी देर तक मेरे को असला मौजूद है तुसी मेरे नेड़े नहीं लग सकते। हाँ एक गल अगर तुसी माल रखना चाहते जे तो फिर मैनू इजाजत है। कह लगे माल छड़ दे ते तेनू इजाजत है। हजरत सुहैब ने सब कुछ लुटा दिता मेरे पैगंबर दे कोल पहुंचे अरशां वाले रब ने कुरान पाक नाज़िल फरमाया वमिन नासी मन यश्री नफ्सहु बतिगा अमरज़ातिल्ला वल्लाहु रऊफुम बिल इबाद फरमाया ओ लोग जिन्हें रब की मुहब्बत के अंदर सब कुछ कुर्बान कर दिता ये ऐसे खुश नसीब ने जमीन ते चलते ने अरशा वाला रब अरशे बरी ते नाल प्यार करता है। इस्लाम ऐदा नाम है दीन ऐदा नाम है। अल्लाह अकबल्ला मेरे पैगंबर केड़ी केड़ी मिसाल पेश करा सहाबा जवानियां लुटा दितियां घर बार कुर्बान कर दिता तन बदन कुर्बान कर दिता। तू इस्लाम दी मोहब्बत दे अंदर शादी दे मौके ते अपने यारा दी फरमाइश नहीं कुर्बान कर सकता। जी मैं ते नहीं चाहता कि मेरी शादी दे मौके ते कंजर आन लेकिन मैं की करा मेरे यार कहिंदे ने जरूर बुलाने ऐसे जराने ते भी लानत जिहड़ी तैनू जहन्नम दे अंदर लै करके जाए। या वैलता लैतनी लम अत्तखिद फलानन खलीला कयामत दा दिन होएगा अफसोस करेगा पछताएगा और कहेगा काश दुनिया ते मेरा यराना चंगा हुंदा काश दुनिया ते मेरा यराना चंगे लोगों का हुंदा। अल्लाह अकबल्ला मेरे भाई मेरे बरादर मेरे मोहतरम मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता लेकिन मैं इस बात को तुहाड़े सामने कादे वास्ते रखदा पिया उहदी वजह ए वे कि मुसलमान का अपना किरदार ठीक नहीं बदनामी इस्लाम की करदा पे सियालकोट के अंदर वाकया पेश आया एक गैर मुसलम और श्रीलंकन उस बंदे नु कतल करके जनाब इस्लाम नु बदनाम करन दी कोशिश कीती गई। मुसलमाना ट्विटर ते फेसबुक ते यूट्यूब ते व्हाट्सएप ते अखबार ते और टीवी चैनल ते ट्रेंड बना दिता जी इस्लाम बदनाम हो गया इस्लाम बदनाम हो गया। अल्लाह की कसम इस्लाम कल भी इज्जत वाला सी इस्लाम आज भी इज्जत वाले इस्लाम कयामत तक इज्जत वाले जिदा एक किरदार है वह बदनाम है इस्लाम इज्जत वाले इस्लाम। मैनू ईमानदार नाल दसो कितनी देर होगी कश्मीर दे अंदर हिंदुआ नू जुलम कर दिया कदी किसी ने कहा कि हिंदू मजहब बदनाम हो गया कितनी 74 साल हो गया ने कश्मीरियां ते जुलम होते हैं किसे नहीं किया हिंदू मजहब बदनाम हो गया। पिछले दिनों न्यूजीलैंड दे अंदर मस्जिद दे अंदर मुसलमानों नू शहीद कर दिता गया किसे नहीं किया फला मजहब बदनाम हो गए ईसाई जुलम कर रहे ने यहूदी जुलम कर रहे ने हर सिखा ने केड़ा जुलम नहीं किया अल्लाह अकबल्ला फिर भी किसे नहीं किया सिख मजहब बदनाम हो गए ईसाईयत बदनाम हो गई है यहूदीयत बदनाम हो गई मुसलमान उठ के अपने मजहब नू आप ही बदनाम करदा पे। मैं इंज समझाया करना अगर मेरा डॉक्टर गलत है इसके अंदर मेरे इस्लाम का कसूर नहीं अगर मेरा वकील गलत है इसके अंदर मेरे इस्लाम का कसूर नहीं मेरा जज गलत है इसके अंदर मेरे दीन का कसूर नहीं अगर मेरा मौलवी गलत है इसके अंदर मेरे दीन का कसूर नहीं अगर मेरा इमाम गलत है इसके अंदर इस्लाम का कसूर नहीं अगर मेरा खतीब गलत है इसके अंदर मेरे दीन का कसूर नहीं अगर मेरा ताजर दुकानदार गलत है इसके अंदर मेरे दीन का कसूर नहीं अगर मेरा नौजवान गलत है इसके अंदर दीन का कसूर नहीं अगर मेरा बुजुर्ग गलत है इसके अंदर मेरे दीन का कसूर नहीं अगर मेरा हुक्मरान गलत है इसके अंदर मेरे दीन का कसूर नहीं। मुसलमान बुरा हो सकता है इस्लाम बुरा नहीं हो सकता।
बोलो मुसलमान बुरा हो सकते है, इस्लाम बुरा। खुदारा अपने मजहब नु बदनाम ना कीजिए। फिर सब तो बड़ी अफसोस की बात है, माजरत दे नाल अल्लाह की कसम, पढ़िए पढ़े लिखे अहबाब बैठे ने, किसे मजहब वाला अपनी इबादत दी तुहीन करदा, कोई नहीं तुहीन करदा, लेकिन तेरे मुल्क दे अंदर 20-22 साल दे नौजवान ने सरे आम नमाज दा मजाक उड़ाया, कयाम दा मजाक उड़ाए, रुकू दा मजाक उड़ाए। और नबी पाक ने फरमाया मोमन सब तो ज्यादा रब दे करीब उदो हुंदे जदो सजदे दी हालत दे अंदर हुंदे। उस बेईमान ने सजदे दे अंदर सर रख के ठुमके लगा के सजदे जैसी अजीब इबादत दा भी मजाक उड़ाए। एदे नाल वड्डी बदनसीबी क्या हो सकती है? क्या पढ़े ऐसी इस्लाम नो, क्या सीखे ऐसी इस्लाम नो? ओ मेरे भाइयों, मेरे बरादर, मेरे मोहतरम, अपने किरदार नल इस्लाम नो पुचाइए, इस्लाम दी तबलीग कीजिए अपने किरदार दे नल। अल्लाहु अकबर, आइए गौर करना, तवज्जो करना, मेरा इस्लाम क्या है, मेरा दीन क्या है। मैं इंशाल्लाह सिर्फ चार गल्लां तुहाडे सामने रखनियां ने, फिर बात खत्म कर देनी है। हबीब बरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक ने सलातो व सलाम ने फरमाया, आप फरमांदे ने मेरे सहाबा बाजारां दे अंदर बैठण तो बचो, बाजारां दे अंदर बैठण तो बचो। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावां ते सहाबा कहणगे सुणियो, बाजार दे अंदर बैठण दे बगैर साडा चारा कोई नहीं, गुजारा कोई नहीं। नबी पाक फरमांदे ने फिर बाजार दे अंदर बैठणे ते बाजार दा हक अदा करने, बाजार दा हक अदा करने। नौजवान बूढ़े और मर्द औरत तशरीफ लै करके आयो, इस्लाम का पैगाम नोट करके लै दो, अपने मुआशरे के अंदर इस्लाम के पैगाम आम करो। मेरे पैगंबर सलाम के सहाबा कहते हैं सुने बाजार का हक की है? नबी पाक फरमाते ने बाजार के अंदर बहने ते नजरां चुका करके बैठने, बाजार के अंदर बहने ते नजरां चुका। वह जेड़ा दीन किसी की धी भैन नू बुरी नज़र नाल वेखण की इजाजत नहीं देंदा, वो दीन किसी नू साड़न की इजाजत देंदा है? वो दीन किसी ते जुलम करन की इजाजत देंदा है? अल्लाहु अकबर अल्लाह। वो जेड़ा दीन किसी की इज्जत वल बुरी निगाह नाल वेखण की इजाजत नहीं देंदा, वो दीन किसी का हक मारन की किवें इजाजत दे सकदा है? किसी नू जलाण की इजाजत किवें दे सकदा है? अल्लाहु अकबर अल्लाह। तो जो करना हबीब बरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक ने सलातो सलाम फरमांदे ने अगर बाजार दे अंदर बैठना है ते नजरां नीवियां करके बैठने, नबी पाक फरमांदे ने बाजार दे अंदर बैठने ते अपने हाथ नाल किसी नूं तकलीफ नहीं देनी। अगर बाजार दे अंदर बैठने ते नबी पाक फरमांदे ने सलाम दा जवाब देने, बाजार दा खाके बाजार दे अंदर बैठने ते बुराई तो रोकने, नेकी दा हुक्म देना है। मेरे बरादर, मेरे मोहतरम, है जे मेरे दीन दा पैगाम, मेरे इस्लाम दा पैगाम, आइए इस्लाम दे पैगाम नूं मनिए, इस्लाम दे पैगाम दा एहतराम कीजिए, इस्लाम नूं समझिए, इस्लाम नूं आम कीजिए। अल्लाह फरमांदे ने अलयौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। सलाम नेमत एवे अल्लाह ताला ने सुने नबी नू ही नबी पाक दी उम्मत वास्ते नेमत बना के भेजिया। अल्लाह फरमांदे ने लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़बास फीहिम रसूला, फरमाया तकीक असी मोमना ते एहसान कीता अपना रसूल भेज करके। अल्लाह जिवें इस्लाम नेमत एवे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात पाक दी नेमत, मेरे पैगंबर दा पैगाम, मेरे पैगंबरी सलातो व सलाम दी जात पाक वी अल्लाह दी कसम नेमतां दा पैगाम लैके आए, खुशियां दा पैगाम लै करके आए। अल्लाहु अकबर। नबी पाक ने 13 शादियां कीतियां या 11 शादियां कीतियां, रहमत कायनात ने सलातो व सलाम दे निकाह देख लीजिए, अपने निकाह देख लीजिए, भावें को वहाबी है, भावें को देवबंदी है, भावें को बरेलवी है, किसी भी मसलक दे अलग रखने वाले
इस्लाम नू किन्ना को मने नबी पाक ने सलातो सलाम दी जात पाक नू किन्ना को मने मेरे पैगंबरी सलातो सलाम दा निकाह देख ले अपना निकाह देख ले अल्लाह ने बेटियां तेनू ही अता कीतियां ने ते बेटियां मेरे पैगंबर नू भी रब ने अता कीतियां ने अपनियां बेटियां दियां शादियां देख ले ते मेरे पैगंबर दियां बेटियां दे निकाह देख ले अल्लाह हू अकबर ला यार रब ने तेनू ही दिते ने ते यार मेरे महबूब दे भी ने मेरी अपनियां भी अपने अपने यार दियां शादियां देख ले ते मेरे पैगंबर दे यारां दे निकाह देख ले ऐ वेखणा इक मिसाल दे तौर ते बात पेश करना चाहना मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाओ एक औरत मेरे पैगंबर दे कोल आई है आ करके कहंदी सोणियो मैं अपना आप तुहाडे नाम कर दिता है मैनू अपने निकाह दे अंदर लै लो नबी पाक फरमांदे ने बीबी मैनू कोई आदत नहीं मैं निकाह नहीं करना चाहता एक करीब सहाबी बैठा है कहंदा सोणिया जे तुसी नहीं करना ते मेरा निकाह करवा दियो मेरी शादी करवा दियो नबी पाक ने सलातो सलाम फरमांदे ने कुछ पल्ले आयु कहंदा सोणिया कुछ भी कोई नहीं मेरे पैगंबर फरमांदे ने कोई लोहे दी अंगूठी है एक गया है तलाश करके आया ते लोहे दी अंगूठी भी लभी लोहे दी अंगूठी भी लभी है जिन्नी देर तक बच्चा पैरां ते नहीं खलोंदा विआह करना है दीन दा ए पैगाम नहीं इस्लाम दा पैगाम नहीं इस्लाम दा पैगाम पता की है या माशर शबाब मन इस्तता अमिनकुम अलबा फलियतज़वज फरमाया जवानां दी जमात अगर अल्लाह ने तुहानू ताकत दित्ती है ते निकाह करो ते निकाह दा फायदा की है फइन्नहु अगज़्ज़ु लिलबसर व अहसन लिलफर्ज नबी पाक फरमांदे निकाह दे नाल नजरां झुक जांदियां ने ते अखां दे अंदर हया आ जांदा है ते शर्मगाह दी हिफाजत हो जांदी है इस्लाम दा पैगाम है इस्लाम दा पैगाम है नहीं कि पहले पैरां ते खलो ते फिर निकाह करो इस्लाम दा पैगाम हया दा पैगाम है गैरत दा पैगाम ऐसी पैरां ते खलोंदियां खलोंदियां बच्चे दी भी जिंदगी गुजर जांदी है बच्ची दी भी जिंदगी गुजर जांदी है एको वजह है निकाह घटदा जा रहा ज़िना वधदा जा रहा बेहयाई वधदी जा रही है बुराई वधदी जा रही है और निकाह नू एडा को मुश्किल कर दिते जे पुत्र वाले ते ओ मुश्किल दिंदर पै गए ते इस दौर दिंदर तियां वाले ते बड़ी मुश्किल दिंदर पै गए ने जिनी देर तक 10 लाख दा जहेज होना नहीं ती विआह नहीं सकदे जिनी देर तक 10 लाख जोड़ नहीं सकते बेटी का निकाह नहीं कर सकते है मुसलमान रस्मां सारियां खतरियां वालियां रस्मां सारियां सिखां वालियां रस्मां सारियां हिंदुआं वालियां माजरत ने गुस्सा ना करना मैनू तुहाडे पिंड दे वाले ने किसे ने कोई गल नहीं दसी मैं पाकिस्तान दे हालात दे बारे गल कर रही हूं मैनू अल्लाह दी कसम है कई घरां दे अंदर चार चार जवान बेटियां बैठियां ने बाप इस वास्ते निकाह नहीं कर सकता कि बाप जहेद नहीं दे सकता मैनू दस कहां वो बेटियां जवानी गुजार करके जदों रब दी बारगाह दे अंदर जाणगियां जहेज मंगण वालियां दे गिरेबान होणगे इन्हां बेटियां दे हाथ होणगे क्या इस्लाम नु मनिए क्या नबी पाक दे पैगाम नु मनिए सब तो वड्डा दीन दा ठेकेदार पहली सब दा नमाजी पुत्र व्याण लगिया ना दीन वेंदा है ना रोजा वेंदा है ना नमाज वेंदा है ना हया वेंदा है ना पर्दा वेंदा है ना तिलावत वेंदा है बस कहंदा मैं चौधरी हां ते मुंडा भी चौधरीयां वल व्याण है मैं राजपूत हां मैं भी मुंडा राजपूतां वल व्याण है मेरा बेटा खूबसूरत है बहू भी खूबसूरत होनी चाहिए मैं बरादरी जमदर उच्ची पग वाला ते मेरा तुरा उच्चा ते मेरे मैं जिधर रिश्तेदारी करनी जेड़े कुड़म लबने ने अपने जनाब बराबर दे लबने ने इस्लाम दा पैगाम नहीं दीन दा पैगाम नहीं अल्लाह अकबर नबी पाक फरमांदे ने कोई लोहे दी अंगूठी है यू लोहे दी अंगूठी है यू एक गया लब के ले आया ते लोहे दी अंगूठी भी लभी बोलो ओए बोलो अल्लाह तो जो करना हबीब अकबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पैगंबर भी नेमत बन के आए ते इस्लाम भी बोलो
नबी पाक ने सलातो सलाम दी जात वी नेमत ते इस्लाम वी नेमत ते नबी पाक ने सलातो सलाम फरमांदे ने हाय सदके जावा मैं अपने पैगंबर सलातो सलाम दी सीरत तो नबी पाक फरमांदे ने सोणिया कुछ कुरान याद ही कहंदा सोणिया फला 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 सूरत याद है मेरे पैगंबर फरमांदे ने ये जड़ियां सूरत तैनु याद ने अपनी बीवी नु याद करवा दी ये हक मेरे ते मैं तेरा निकाह कर छड़े आए अल्लाहु अकबर कुरान पाक दिया चंद सूरतां ते निकाह हो गया और जिनी देर तक दस मरले दी कोठी नहीं बननी उन्नी देर तक मुंडा नहीं व्याह जाना जिनी देर तक दस लाख दा जहेद नहीं बनना उन्नी देर तक बेटी दी शादी नहीं होनी और मेरे भाई इस्लाम ए नहीं दीने नहीं इस्लाम दी दीने इस्लाम अल्लाह दी कसम आसानी दा नाम है मेरे पैगंबर सलातो सलाम दा पैगाम आसानी दा नाम है अल्लाह को अकबर आज एक रात तुसी कहोगे मौलाना ए ते नबी पाक दा यार है जिदा निकाह है रा नबी पाक दे घर दी वी ते कोई गल सुनाओ ना अल्लाह को अकबर जिन्ने तुसी आ करके बैठे हो किसी भी मसलक दे नाल तल्लक है अल्लाह दा वास्ता दे के मैं तुहानू पुछना चाहना अपने जमीर नाल जवाब दे आ जे इस पूरी कायनात दे अंदर मेरे पैगंबर तो वध के को अजमत वाला मेरे पैगंबर तो वध के उची शान वाला मेरे पैगंबर तो वध के उच्चे मुकाम वाला कोई नहीं ओदे मुकाम दी गल कर दे जे ओदी शान दी गल कर दे जे बीबी आमिना दा जलाले सारी दुनिया चोबे मिसाले मेरा दिल करदा जड़ियां फरमाइशां बाद विच आणियां ने मैं पहले पूरियां कर दियां को सुभान अल्लाह बीबी आमिना दा जो लाले सारी दुनिया चो बेमिसाले अम्मा आमिना दा जो लाले सारी दुनिया चो बेमिसाले मई आमिना दा जो लाले सारी दुनिया चो बे मिसाल ओए गल मुकद्दरा दी की सुनावा आके गली मां मैं वारी जावा सोना मुखड़ा सोना मुखड़ा सोना मुखड़ा सोनी चाले सारी दुनिया चौंदे निसाले अम्मा अमीना दा जलाले सारी दुनिया चौंदे निसाले हुण तक तुसा जिनी कंजूसी करनी सी कर ली इस जुमले ते बिलकुल कंजूसी नहीं चले मोहब्बत दार करे आजे ते खुल के करे आजे सिद्धी कुमर दी क्या बात है सिद्धी कुमर दी क्या बात है मिलिया जिन्ना नू सोने दा साथ सुते अज भी आए सुते अज भी आका दे नाले सारी दुनिया चौबे मिसाल नहीं नहीं तड़पे दी मुहब्बत दार करना चाहना ते फिर गल समझाना चाहना अल्लाह उसे आंख ने जन्नत के अनवार को देखा है जैसे आंख ने मदनी के रुखसार को देखा है उसे आदरा वो बोला को सुभान अल्लाह रसजा हाथ बुलंद करके खिंच के को सुभान अल्लाह उसे आंख ने जन्नत के अनवार को देखा है जैसे आंख ने मदनी के रुखसार को देखा है वो देखा जो यूसुफ को तो उंगलियां कटवाई जब मेरे नबी को देखा
ओ जाने लुटवाई वो मिस्र की औरत थी ये आकक दीवाने वो मिस्र की औरत थी ये आकक दीवाने इन्होंने रसूलों के सरदार को देखा है। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा तो जो करना गौर करना नबी पाक दा खानदान उचाओ मेरे पैगंबर दी जात उची मेरे पैगंबर दा घराना उचाओ। अल्लाह को अकबला ते अल्लाह ताला ने मेरे पैगंबर नु चार बेटियां अता की दिया चारे बेटियां नबी पाक दियां जवान होईयां चारा बेटियां दा नबी पाक ने निकाह कीता सब तो छोटी बेटी सजीदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अनगा जदों मेरे पैगंबर सलातो सलाम ने बेटी नबी पाक दी बेटी ने जवानी दे अंदर कदम रखिया और 142 चक दे आबासिया आखरी गल्ला ने बड़े ध्यान नाल तवज्जो दे नाल समाप्त करके लै जाना जे नशीन करके लै जाना किसे भी मसलक नाल तल्लक है लेकिन दीन सारियां दा सांझे नबी पाक दी जात सारियां दी सांझी है। तवज्जो करना मेरे पैगंबर दी बेटी ने जवानी दे अंदर कदम रखी है इधर गदर ते अबू बकर आए ने सोणियो फातिमा दे रिश्ते वास्ते आया वा मेरे पैगंबर फरमाते ने अबू बकर मैं रब दे फैसले दे इंतजार करदा पिया हजरत उमर आए ने नबी पाक ने एको जवाब दिता है बेटी जवान है ओए बेटियां वालियो बेटियां जवान हो जान ते मापियां दियां रातां दियां नींदना मुक जांदियां ने बाप करवट भी बदल दे ते कहंदा अल्लाह घर दे अंदर जवान बेटी है अल्लाह मेरी इज्जत दी इबादत फरमाणा ते इस दौर दे अंदर ते और मुश्किलात पड़ गईयां ने जिस दौर दे अंदर दसां दसां सालां दियां बेटियां दी इज्जत महफूज कोई नहीं 12-12, 14-14 सालां दियां बेटियां दी इज्जत नीलाम कर दित्ती जांदी है। दुआ करया कर अल्लाह बेटियां देवे ते बेटियां दे मुकद्दर ते नसीब अच्छे बढ़ाए अल्लाह बेटियां देवे ते बेटियां दे मुकद्दर नसीब अच्छे बढ़ाए अल्लाह बेटियां नूं अपने घरां दियां खुशियां ते सुख नसीब फरमाए। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी जवान हजरत अली आए ने आ करके कहंदे ने सुनियो मेरे पैगंबर दी मजलस दे अंदर आके बैठ गए ने आप फरमांदे ने अली लगदे किसे मतलब ना लाए किसे गल ना लाए सुनिया फातिमा दे रिश्ते वास्ते आया वा नबी पाक फरमांदे ने अली रुक जा मेरे पैगंबर उठे ने अपनी धी फातिमा दे कोल गए ने आप फरमांदे ने बेटी फातिमा मैं तेरा निकाह अली दे नाल करना चाहना वा ते याद रखी थी है मैं अली दियां दौलतां नहीं वेखियां अली दियां कोठियां नहीं वेखियां अली दियां जद्दां नहीं वेखियां अली दा दीन वेखिए अली दा इस्लाम वेखिया है अली दा दीन वेखिए अली दा इस्लाम वेखिया है ओ सरगोदे वालियो फैसला पदवाए ताले बिलम दे खत बने ने अगर नस्लां दे अंदर दीन इस्लाम मुंतकिल करना चाहते जे अगर चाहते हो पोते पोतियां पक्के मुसलमान बन जान अगर चाहते हो नवासे नवासियां मुसलमान बन जान फिर इंतखाब दीन दा करया करो फिर इंतखाब इस्लाम दा करया करो ना वेखिया कर कोठियां वल ना वेखिया कर बंगलियां वल ना वेखिया कर जदादां वल ना वेखिया कर तनखावां वल दीन वेखिया कर इस्लाम वेखिया कर। और मेरे पैगंबर दा फरमान भी है रहमत कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने फरमाया तुल की गुल मरा तुल अरबैन वाली माली गा वाली जमाली गा वाली गा सभी गा वाली दीदी गा नबी पाक फरमाते हैं चार वजह करके औरत ना निकाह किया जाता है उदा माल वेख के उदा जमाल वेख के उदा खसब वेख के उदा दीन वेख के नबी पाक फरमाते ने कायनात दे लोगो तवज्जो करिया जे हदीस पाक दा मफूम अगर माल होए जमाल होए हसब होए नसब होए दीन होए ए चारे चीजा होण ते क्या बात है माल ना होए गुजारा हो जाएगा जमाल ना होए गुजारा हो जाएगा हसब नसब ना होए गुजारा हो जाएगा जे दीन ना होए ते गुजारा होना
दीन ना होए ते गुजारा नहीं जीवना, पर अफसोस सब दा अफसोस साडा दीन दे बगैर गुजारा हुंदा पे। पहले सब दा नमाजी है पर अपनी बहू दे इंतखाब कोठियां वेख के करदा पिया है, ऐ गाजी साहब ने पर अपने बेटे वास्ते बीवी दे इंतखाब। अल्लाह दी कसमे पलाट वेख के ते दुकान ते मकान ते दौलत वेख के करदा पिया है। एको वजह अज साडियां नस्लां दे दीन मुकदा जा रही है, साडे बच्चे ही शराबी बनते जाते ने, मुसलमाना के बच्चे ही जानी बनते जाते ने, मुसलमाना के बच्चे ही नशेई बनते जाते ने, मुसलमाना के बच्चे कुरान छड़ के फेसबुक ते लग गए ने, मुसलमाना के बच्चे कुरान छड़ के यूट्यूब ते लग गए ने, मुसलमाना के बच्चे कुरान छड़ के मैसेंजर ते लग गए ने, और दीगर खराबात ते लग गए ने, दीन तो दूर हो गए ने। उदी वजह असी सलाम दा इंतखाब कर सके। रब ने दे साडे वास्ते इंतखाब कीता सी कादा, इस्लाम दा, ते असा पसंद कीता अस्तगफिरुल्लाह नहीं, असी इस्लाम नू ठुकरा दिता है। असी मुसलमान पक्के मुसलमान हाँ, लेकिन सकी भतीजीए हाफजा है, कारी है, आलम है, नमाज दी पाबंद है, पर्दे दी पाबंद है, लेकिन सक्का ताया रिश्ता लैण वास्ते तैयार कोई नहीं, क्योंकि भरा गरीब है। ये दीनदार बेटी नू नहीं ठुकराया, दीन नू ठुकराया। ये नेक बेटी नू नहीं ठुकराया, दीन नू तक्का मारिया। अल्लाह तैनू चंगा लगदे, अल्लाह दी कसम दुनिया दा माल चंगा लगदे, रब दी नजर दे अंदर अगर कोई अहमियत है ते दीन दी अहमियत है। नबी पाक ने इसे वास्ते फरमाया, सहाबिया ए चार चीजां दी वजह करके और नाल निकाह हुंदे ते तेरे खाक हथ खाक लूद होण, इंतखाब करना है ते कादा, बोलो दीन दा। मतलब ए वे अगर दीन दा इंतखाब ना कीता ते नदामत दा सामना करना पैणा। कादा मैं वेखे अल्लाह दी कसमे, शादी होई नू 15 दिन गुजरे ने ते नौ आई उन्हें चुक के पहला जिहड़ा काम कीता बाबे दी चार पई बूवे अगे डा दित्ती, चल बाबा तेरा काम हुण चौकीदारी है, सब्जी लिया के देना है, तेरा की काम है घर दे अंदर। कई ऐसे भी बदनसीब ने घरों चार पईयां चुक के ते हवेली दे अंदर सुट दित्तियां ने, चल माल दी पहरेदारी कर। अगर दीन दा इंतखाब कीता हुंदा, ए आण वाली बेटी नूं पता हुंदा कि मैं अगर पीछे अपने वालिदैन छोड़ के आई हां, ए भी मेरे वालिदैन दी मानिंद ने, इन्हां दी इज्जत भी मेरे ते जरूरी है। अल्लाहु अकबर। और मेरे भाई इस जमन दे अंदर सब तो पहला अपने बच्चियां नूं दीन सिखाइए, अपने बच्चियां नूं कुरान पढ़ाइए, तर्जमा पढ़ाइए, हदीसे मुस्तफा पढ़ाइए। मादर दिन मैं नहीं कहता कि जनाब फला मदरसे दे अंदर, फला मदरस भी मदरसे दे अंदर पढ़ाओ, दीन पढ़ाओ और दीन इस्लाम दे इंतखाब करो ताकि साढ़े बच्चियां नूं दीन दा पता होए। अल्लाह जदों दीन दा पता होएगा फिर पता की होएगा। लो आखिरी गल कर लगा तो जो करना, हबीब अकबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु, लगदा थक गए हो, बस करा जरा दुरूद पाक पढ़ो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक ने सलातो सलाम ने अपनी बेटी का निकाह किया हज़रत अली दे नाल, इस्लाम दी वजह करके, दीन दी वजह करके। आखिरी गल सुनाण लगा ते गल मुकाण लगा, मेरे पैगंबरी सलातो सलाम दे सहाबी सैयदना हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला को बयान करदे ने, नबी पाक ने सलातो सलाम और नबी पाक दे कुछ सहाबी सहाबियात हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लै करके आए ना। अल्लाहु अकबर। ते हज़रत अबू तलहा अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक मुसलमान नहीं सी, एक कलमा नहीं सी पढ़िया। चलते चलते हज़रत उम्मे सुलैम दे कोल आए, जिन्ना कलमा पढ़ के मेरे पैगंबर दे उम्मतियां दे अंदर शामिल हो गई ने, मुसलमान हो गई ने, ते आ करके अबू तलहा कहन लगे उम्मे सुलैम मेरे नाल निकाह कर ले। हज़रत उम्मे सुलैम कहंदियां ने, जा अबू तलहा मैं तेरे नाल निकाह नहीं करना। अल्लाह फरमाते ने, मदीने दा फलां बाग भी मेरा, फलां बाग भी मेरा, फलां बाग भी मेरा,
मेरे को दुनिया दिया दौलत बड़िया ने, मैं सदके जाऊं उस इस्लाम वाली बीबी तो, मैं सदके जाऊं उस इस्लाम वाली बीबी तो। कहन लगी तेरे को दुनिया की दौलत बड़ी है पर इस्लाम की दौलत कोई नहीं, ते मेरी नजर दे अंदर तेरे को कुछ भी कोई नहीं। अल्लाह अगर मेरे ना निकाह करना ते पहले कलमा पढ़ के मुसलमान होने। हज़रत अबू तलागा ने दिलों निकलिया गल्लां दिल ते असर कर गईयां, कलमा पढ़ के हज़रत उन्ने सलाम वल निकाह दा पैगाम भेजिए ते फरमांदियां ने अबू तलाग तू कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए जा, तेरा मुसलमान होना ही मैं अपना हक मैर मुकर्र कर लिया है, तेरा मुसलमान होना ही। अलयौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इंतखाब इस्लाम दा कीता है रब ने, पाक ही लाए ने इस जोड़े नु अल्लाह ने बेटा अता कीता है। बीमार हो गया अल्लाह ना, कई दिन गुजर गए। हजरत अबू तलहा काम दे सिलसिले दे अंदर बाहर गए ने ते पिछों बच्चा फौत हो गए। हजरत उम्मे सलाम ने कमाल सबर दा मुजारा कीते, बच्चे नु गुसल दिता, कफन दिता, मकान दे कोने दे अंदर लटा दिते, खावन दे घर दे अंदर आया। अल्लाहु अकबर अल्लाह, अबू तलहा घर दे अंदर आए ते बीवी नु एहसास है मेरा कामद थकिया होया है, आंदी ही परेशानी दी खबर सुना दी ते किते और परेशान ना हो जाए और दुखी ना हो जाए। अल्लाह जड़िया अल्लाह दी कसमे खैर खा गम खार और खानदानी बीवियां या कर दिया ने अपने खामद नू परेशान नहीं करया कर दिया, अपने खामद नू दुखी नहीं करया कर दिया। याद दे ना जदों मेरे पैगंबर ते वही नाज़िल हुई पहली वही रहमत कायनात घर दे अंदर आए, आप फरमांदे ने खदीजा मैनू मेरी जान दा खतरा है मैनू कंबल उड़ा दे। एक हज़रत खदीजा ने जुमले कह फरमांदियां ने कल्ला वल्लाही ला युख़्ज़ी कल्लाहु अबदा, सोने अल्लाह की कसमे अल्लाह तुहानू कदी परेशान नहीं होण देगा, तुसी ते ऐ बड़े प्यारे हो, तुसी ते ऐ बड़े चंगे हो। अल्लाह दुख दे मौके ते बीवी अपने खावन दी गमखार बन जाया कर दिए। हज़रत उम्मे सुलैम कह लगी अज खावन आए ते ना बनाओ संगार किया है, रात अपने अज़वाजी तलुकात कैम किए ने, पूछन लगे सुना अल्लाह वालिए साडे बेटे का की हाल है। फरमान लगियां साडा बेटा पहले नालों सुकून दी जिंदगी दे अंदर है, मतलब दुनिया दी जिंदगी आखरत दी जिंदगी, अल्लाह को दुनिया दी जिंदगी नालों आखरत दी जिंदगी सुकून वाली है। ने करके जदों जनाब पिछली को रात दा टाइम होया ते खावन नु कहन लगी अल्लाह वाले दस ना अगर किसे दी अमानत किसे कोल होए ते उन्हों वापस कर देनी चाहिए जी कर देनी चाहिए। फरमांदी अल्लाह बेटा अमानत दिता सी ते अपनी अमानत वापस लै लईया ने, दिल ते धजका लग्या एंड परेशान जो दुखी जो के फजर दी नमाज नबी पाक दे पीछे पढ़िए सारा वाकया बयान कीते। मेरे पैगंबर सलातो सलाम नो हज़रत उम्मे सुलैम दा सबर एडा चंगा लगिए। अल्लाह नबी पाक री सलातो सलाम फरमांदे ने बारकल्लाहु फीगा बिरी लैलती कुमाल, ओए अबू तला तेरी बीवी ने रा सबर दा मुजारा कीता है, मैं मुहम्मद दुआ करना अल्लाह तुहाडी रात दे अंदर बरकत पा दे। हज़रत अनस फरमांदे ने फिर अल्लाह हाफिज ते कारी बन जांदे ने। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम मदीना। इस
सलाम भी नेमत है, मेरे पैगंबर दी जात पाक भी नेमत है। आइए ए गल देखेगा, गल कह के गल मुका देना चाहना वा। नबी पाक ने सलातो सलाम दी सुन्नत अपनाइए, इस्लाम ते अमल कीजिए। अल्लाह दी कसम है, जिदो दीने इस्लाम ते अमल करांगे, नबी पाक दी सुन्नत ते अमल करांगे, फिर नेमत दे अंदर खुशी खुशी है, राहत राहत है, सुकून ही सुकून है। नेमत ओनू कहंदे ने जिदे अंदर खुशी होए, नेमत ओनू कहंदे ने जिदे अंदर सुकून होए, नेमत ओनू कहंदे ने जिदे अंदर अमन होए।